हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैंगो फ्रूटी की रेसिपी। मैंगो फ्रूटी घर पे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए चलिए आज हम बनाते हैं ये मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी। तो मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 आम और 1 ली है मैंने कच्ची कैरी। तो सबसे पहले इनको छील करके इसके टुकड़े काट लेंगे और जब इसके टुकड़े कट जाएंगे तो हम मिक्सचर में इसकी प्यूरी बना लेंगे। और ये लीजिए, प्यूरी बनके रेडी है। तो अब मैं लूंगी एक पैन और इसमें डालूंगी ये प्यूरी। जार को धोकर के थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे और अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और जब ये पकने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 कटोरी चीनी। 2 मैंगो के लिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी का यूज किया है। चीनी को अच्छे से इसमें मिला देना है और इसको लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। और देखिए गाइस, ये मैंगो की प्यूरी जो है वो पकने लगी है। तो बस जब ये अच्छे से पक जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दो घंटे बाद देखिए मैंगो की प्यूरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच विनेगर। इससे ये लंबे टाइम तक स्टोर कर हो सकता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। विनेगर को अच्छे से मिला देना है और फिर मैं लूंगी 1 स्ट्रेनर और इससे मैं इस मैंगो की प्यूरी को छान लूंगी। छानने से क्या होगा कि इसमें अगर मैंगो का कोई टुकड़ा है या मैंगो के रेशेस हैं वो इससे अलग हो जाएंगे और हमें एक स्मूथ सी प्यूरी जो है वो मिल जाएगी। मैं ये पैन लूंगी, पैन में थोड़ा सा पानी डालूंगी और पानी डाल करके पैन को भी अच्छे से साफ कर लेंगे और यही पानी स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि स्ट्रेनर भी अच्छे से साफ हो जाए। तो बस हमारी प्यूरी जो है वो छन चुकी है और ये देखिए मैंगो के रैशेज जो हैं वो अलग से हो रह गए हैं। तो बस इनको हम अलग कर देंगे और ये मैंगो की स्मूथ सी प्यूरी हमारे पास बन करके रेडी है, यानी मैंगो की फ्रूटी जो है उसका बेस हमारे पास रेडी है। तो अब मैं लूँगी 1 जार और इसमें मैं ये फ्रूटी को डाल दूँगी और इसे फ्रिज में रखना है या बाहर रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि विनेगर इसमें डाला हुआ है तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं इससे आपको फ्रूटी बना के दिखाती हूँ। तो मैंने ली है 2 ग्लास, इसमें मैं डालूँगी आइस क्यूब्स और जितना मीठा आपको पसंद है उतना आप ये मैंगो की प्यूरी इसमें डालिए और फिर इसमें डालिए ठंडा पानी और चम्मच से इसे मिक्स कर लीजिए। आपकी फ्रूटी यानी मैंगो का ड्रिंक जो है वो घर में बहुत ही आसानी से बन करके रेडी है। तो गाइज, कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ये मैंगो की फ्रूटी की रेसिपी? अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।